तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज फाइनली बड़ोस से जा रहे हैं और मामा टाटा बाय बाय। अब पता नहीं अब कब आएंगे, कल आ सकते, कल वो दम्मू भाई की शादी है ना, उसमें आ सकते पापा के साथ। अब जा रहे हैं यार, 20-25 दिन बहुत अच्छे से गुजरे हैं, अब जाते हैं गाइस, सबको मिस करेंगे और सब दोस्तों को आई जय सी राम। आज चलते हैं अब गुना की तरफ, अनिल जो मेरे को छोड़ गया था यहाँ कुमराज में, जो कुमराज में ताऊजी रहते हैं। तो अब चलते हैं गाइस गुना की तरफ, खाना माना खा तो लिया है बढ़िया, तो नाश्ता वास्ता तो कर ही लिया था वो, तो अब चलते हैं, अब गुना में ही नहाएंगे, मिलते हैं गाइस फिर गुना की तरफ। ठीक है तो दादी चलते हैं फिर, तुम नहीं चल रही गुना? मैं नहीं चल रही अबे। ठीक है फिर, ठीक है दादी। तो गाइस आ चुके हैं हम घर पर, अभी तो गाइस नए वाले घर पे आए हैं, अब चलेंगे गाइस थोड़ी देर से पुराने वाले घर पर, क्योंकि यार बहुत दिनों से नहीं आए थे, कम से कम एक महीना हो गया था, अब जाके पहुँचे हुए हैं। तो गाइस चलते हैं फिर, अभी तो थोड़ा बहुत घूमते हैं फिर पुराने वाले घर पर। आ चुके हैं घर पर और अभी का टाइम हो चुका है 2:47 हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम दिलीप भाई के घर पर, क्योंकि उन्हें थोड़ा कुछ काम है एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड। तो गाइस चलते हैं दिलीप भाई के घर पर। और तो गाइस आ चुके हैं हम दिलीप भाई के पास, और दिलीप भाई कैसे हों? बस बढ़िया है, आप बताओ। बस अभी आए हैं, एक महीने गाँव में रुके थे, बहुत सारी मस्ती करी थी, बहुत सारे दोस्तों को अब मिस करेंगे। और कैसा क्या चल रहा है तुम्हारा? यार अभी आज ही वीडियो डाली एक। अच्छा अच्छा, तो गाइस दिलीप धाकड़ जी का भी चैनल है, दिलीप धाकड़ आर्ट्स नाम से। तो गाइस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलीप धाकड़ आर्ट्स नाम से दिलीप धाकड़ जी का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो है ना पेंटिंग बनाते हैं अच्छी अच्छी। और आप भी बता दीजिए दिलीप भाई। बस आर्ट ट्यूटोरियल बहुत ही मतलब बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये मेरी वीडियोस देखें और सीखें उनसे कुछ, और हमारे गौरव भाई भी बहुत मेहनत करते हैं, इनकी वीडियोस भी देखें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। हाँ यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पता नहीं यार कब जाके सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेंगे यार। तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो दिलीप भाई, आर्ट में यार बहुत मेहनत लगती है। मतलब एक पेंटिंग कितनी देर में बना देते हो? एक पेंटिंग में मोस्टली 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, पेंसिल स्केच में और कलरफुल में तो 2 या 3 घंटे। देखो गाइस कितनी मेहनत कर रहे हैं दिलीप भाई। तो गाइस दिलीप भाई को सपोर्ट करिए और उनका चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। और प्रथम भाई किधर से आ रहे हो? बस घर से आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कैसे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मुँह तो खोल लो, ऑडियंस को तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। मुँह नहीं खोलता, कोरोना चल रहा है, कोरोना लग गया फिर। अच्छा हमने भी तो खोल रखा है, हमने तो मास्क भी नहीं लगा रखा। तुम जिंदा दिल इंसान हो, तो अभी तुमने क्या वैक्सीन लगवाई क्या? लगवा ली बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो लगवा ली सेकंड डोज? सेकंड नहीं लगवाया, पहला लगवा लिया बिल्कुल। अच्छा अच्छा, पहला डोज लगवा लिया, तो फिर भी तुमने मास्क लगा रखा, हमने तो फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाया जब भी हो गया। क्या करें यार, वैसे अभी हम दिलीप के घर पे बैठे थे 10-15 मिनट, उसके बाद हम चल रहे हैं अब नमित के घर पे, क्योंकि गाइस नमित के घर पे हम बहुत टाइम से नहीं गए थे, कम से कम 2 महीने तो आराम से हो गए हैं, क्योंकि 1 महीने तो हमें गाँव में ही हो गए थे और उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के बाद नहीं गए। तो आज चलते हैं नमित के घर पे और फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम नमित भाई के घर पे आए थे, तो गाइस नमित भाई तो नहीं मिले, उनके छोटे भाई मिले थे। तो उदित कहाँ पे हैं? वो मार्केट में गए कोई सब्जी मंडी में कुछ काम से। तो चलते हैं गाइस अभी हम मिन्ना के घर पे चलते हैं, चले दिलीप भाई? हाँ बिल्कुल, चलते हैं गाइस फिर मिलते हैं। उदित भाई टाटा बाय बाय। तो गाइस आ चुके हैं हम मिन्ना भाई घर पर, और मिन्ना भाई आप कैसे हो? गाइस मिन्ना भाई का पोस्टर कैमरा कॉन्शियस है इन्हें, पता नहीं क्यों इतना शर्माते क्यों मिन्ना भाई। मिनाल भाई कह रहा घर के बाहर आओगे तो कौन मतलब अरे कौन नहीं डरेगा, कौन नहीं शर्माएगा, कौन नहीं डरेगा। तो आज मिलते हैं मिनाल भाई से, थोड़ा और हालचाल पूछते हैं, क्योंकि भाई वो कैमरा के सामने तो वो इतना बोलेंगे नहीं। सब दिलीप भाई की पेंटिंग देख रहे हैं जो कि 2 साल पहले की थी, और दिलीप भाई ने पेंटिंग करी थी जो कि कुछ इस प्रकार की थी। आपको सही कैमरे से नहीं दिख रही होगी तो इसलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाई, जो कि सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी जो कि दिलीप भाई जी ने बनाई थी, जो कि दिलीप आर्ट्स नाम से इनका चैनल है। सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी जो कि ये थी, जो कि अजय देवगन जी की थी, जो कि आपको दिख रही होगी, जो कि सबसे पहली पेंटिंग थी। और मैं बताता हूँ इनने इतना इम्प्रूवमेंट करा 2 साल के अंदर, अब इनकी दूसरी पेंटिंग देखते हैं, दूसरी तो नहीं मतलब अभी तक लेटेस्ट वाली देखते हैं। मतलब अभी तक आपने कितनी पेंटिंग बना चुके हों? तो गाइस दिलीप भाई ने ना अभी तक 300 पेंटिंग बना चुके हैं, और इनका इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है।
तो गाइस आप दिलीप भाई का वर्क देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, जो कि क्या जोकर की है। यस यस, जो कि गाइस ये हॉलीवुड का हीरो है जो कि जोकर है। इसका नाम क्या है? पेनी वाइज है, जो कि इसका नाम बहुत अटपटा सा है, पेनी वाइज नाम से है, फेमस है, बहुत फेमस भी हीरो है। इसकी पिक्चर भी बहुत हिट हुई थी, जो कि कौन सी पिक्चर थी? जोकर नाम से ही थी शायद, जोकर नाम से थी। तो गाइस अभी तक हमने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। दिलीप धाकड़ आर्ट्स नाम से इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दे दूंगा। तो गाइस हमने दिलीप भाई की पेंटिंग दिख रहे थे, जो कि अजय देवगन की पेंटिंग दिख रहे थे। तो ये मृणाल भाई है ना, हमें बहुत हंसा रहे थे, और ये जो कि मास्क है ना वो बार बार नीचे गिर रहा था, तो इस वजह से हमारी वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई थी। तो बाद में जाके मतलब 5 से 10 मिनट बाद बन पाई वीडियो, और अच्छी भी वीडियो बनी। और दिलीप भाई यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट करिए और उनके चैनल सब्सक्राइब करिए। और गाइस चलते हैं घर पे, क्योंकि भैया का फोन आ चुका है और उन्हें दूध देना है, कोई मेहमान वगैरह आए। तो गाइस मिलते हैं घर पे। और तो गाइस दिलीप भाई को घर पे छोड़ के अब हम जा रहे हैं घर पर। और दिलीप भाई को अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करिए, क्योंकि दिलीप भाई का भी चैनल है दिलीप आर्ट नाम से, तो उनके चैनल को खोल के देखिए। हमारे बहुत मेहनत कर रहा है, इन्हें भी सपोर्ट दें, इनकी वीडियोस देखें पूरी। अच्छा थैंक यू भाई। और इनके ऊपर है यार, ऑडियंस के ऊपर वो करती है क्या नहीं करती, तो और क्या। तो गाइस दिलीप भाई जाते हैं, मिलते हैं फिर बाद। गाइस हमें बहुत दिनों के बाद रोशन भाई और हमें योगेश भाई मिले। रोशन भाई आपने ये बाल क्यों कटवा दिए? भाई थोड़ा मूड खराब था इसलिए कटवा दिए। मतलब कैसा मूड? कुछ दिन बाद तो हमने छोटे करवाए, फिर हमने सीधे ही उस वो करवा दिए, मतलब जीरो मशीन फिरवा दी। शौक है आप छोटे वालों का। अच्छा शौक है। तो गाइस हम चल रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए किस लिए चल रहे हैं। आज ही हमें पार्टी देने वाला है। अच्छा हमें पार्टी दूंगा? पार्टी देगा भाई, बड़े दिनों बाद मिल रहा है। तो गाइस बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हमने सोचा कि इन दो दोस्तों को मतलब रवि को और योगेश को पार्टी दी जाए। तो गाइस चलते हैं फिर मार्केट में और मिलते हैं। भाई रोक 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 यार, मेरा मास्क गिर गया यार पीछे, यार पता नहीं यार कैसे गिर गया, हाथ से छूट गया यार, हवा में मैंने छोड़ दिया था इसलिए। ये रहा, चलो चलते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, एट अ टाटा एंड बाय बाय।